हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम बनाते हैं गुजराती डिश फाफड़ा। तो फाफड़ा बनाने के लिए जिन इंग्रेडिएंट्स की हमें आवश्यकता होती है वो है महीन वाले हमें चने की पहले बेसन चाहिए, बेसन उसके बाद 2 चुटकी हमें इसमें हल्दी चाहिए, नमक स्वाद अनुसार, मोयम के लिए तेल और पानी में पहले से ही घोला हुआ बेकिंग पाउडर। सारे चीज़ को अच्छी तरीके से जब हम मिला लेंगे तो पानी से जो घोला हुआ बेकिंग पाउडर है उसे इसे अच्छी तरीक़ा से सान लेंगे। सानना है हमको इस तरीक़ा से, ना इसका डो ज़्यादा टाइट और ना ज़्यादा सॉफ्ट होना चाहिए, मीडियम में रहना चाहिए। और सानने के बाद हम इसकी इस तरीक़ा से छोटी छोटी लोई बना लेंगे। आपको फाफड़े की जितनी बड़ी शेप रखना है आप उस तरीक़ा से लोई को काट लीजिए। तो फ्रेंड्स, ऐसी ही अच्छी अच्छी रेसिपी के साथ हम आते ही रहते हैं। हमारा यह वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाथों से इसे हथेली के नीचे वाले भाग से इसे इस तरीक़ा से हमें दबा के सारे फाफड़े को तैयार कर लेना है और चाकू की सहायता से इसे हम निकाल लेंगे। चाकू को ज़्यादा खड़ा नहीं करके अंदर से, मतलब चाकू पूरा ज़मीन में सटा हुआ रहना चाहिए और चाकू हम आगे ले जाएंगे, हमारे सारे फाफड़े इस तरीक़ा से निकल जाएंगे। तेल हमारा मीडियम रहना चाहिए, ना ज़्यादा गर्म ना ज़्यादा ठंडा। और एक एक करके सारे फाफड़े को हम इसमें डाल देंगे। फाफड़े तब तक हमें नहीं उलटना है जब तक सारे फाफड़े अपने आप ऊपर नहीं आ जाते हैं। ऊपर आ जाने के बाद सारे फाफड़े को हम उलट देंगे और उलट पलट के इसे अच्छी तरीक़ा से सेक लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हम सारे फाफड़े को इस तरीक़ा से तैयार कर लिए हैं बना के, और ये हाथों से तोड़ के भी दिखा देती हूँ कितना क्रंची बना है, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं फ्रेंड्स। यह पपीते का सलाद के साथ आप इसे खा सकते हैं, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगेंगे। आप एक बार अपने घर पे इस तरीक़ा से पपीते के सलाद और फाफड़े को बनाकर ट्राई करें। और इस पपीते की सलाद की रेसिपी हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, आप लोग देख लीजिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।